दोस्तों नमस्कार, मैं मृदुल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर पर। दोस्तों आप में से कई लोगों के मन में सवाल रहता है जब आप किचन बनाते हैं कि हमें एक्रेलिक शीट्स लगाएं या फिर लैमिनेट शीट्स लगाएं, हम कौन सा वाले शटर्स के ऊपर जाएं। दोस्तों आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक्रेलिक और लैमिनेट का डिफरेंस बताएं। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक्रेलिक के कौन से ब्रांड अच्छे हैं, क्या क्या प्राइस रेंज होती है, क्या क्या उसके अंदर हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं जो हमें कंपेयर करने चाहिए डिसाइड करने से पहले। तो एक्रेलिक और लैमिनेट के ऊपर आज फुल फ्लेज वीडियो हमने बनाने का सोचा है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विस। पहले हम देख लेते हैं कि एक्रेलिक फिनिश का जो लुक है वो कैसा आता है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ के अंदर जो आपको नजर आ रहा है ये एक्रेलिक शटर है, एक्रेलिक फिनिश का शटर है ये। तो इस ये वाली फिनिशिंग जो एक्रेलिक की होती है, इसी तरह से जो दोस्तों ये वाली जो है ये आपकी लैमिनेट की फिनिशिंग है हाई लॉस के अंदर। इसमें भी रिफ्लेक्शन है, चमक है और इसके अंदर भी चमक है, लेकिन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है, मिरर लाइक प्रॉपर्टी है, वो एक्रेलिक के अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। मैं आपको दोनों के किचन का फोटो भी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि एक्रेलिक की जो किचन लिखती है एक्चुअल बनने के बाद में और जो लैमिनेट की किचन बनती है उनमें कैसा अंतर नज़र आता है। दोस्तों आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर दोनों फोटोज आपको नज़र आ रहे हैं किचन के, जो एक एक्रेलिक वाला और एक लैमिनेट वाला है। दोस्तों एक्रेलिक और लैमिनेट देखने के बाद में हम ये समझ लेते हैं कि दोनों के बेसिक फीचर्स जो है उनमें क्या क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले अगर एक्रेलिक की बात करें तो एक्रेलिक जो है वो UPDC जो अनप्लास्टिसाइड PVC रहता है उसका मटेरियल है और ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ होता है। अगर लैमिनेट शीट की बात करें तो इसको क्या होता है कि डिफरेंट लेयर्स को पेपर रेजिन को मिक्स करके लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है उसको बनाया जाता है। जो एक्रेलिक रहता है वो यूनिकोर रहता है, यूनिकोर का मतलब होता है उसके अंदर जो कोर का कलर रहेगा वो आपका फ्रंट का कलर रहेगा, उसमें सेम सरफेस निकलता है नीचे तक। तो इस कारण से क्या है दोस्तों, इसके अंदर ग्लॉसीनेस ज़्यादा रहती है, रिफ्लेक्टिव मिरर लाइक इमेज ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू लैमिनेट, इसके अंदर ग्लॉस फिनिश ज़्यादा आती है। इसके अलावा दोस्तों अगर एक्रेलिक के बेनिफिट की या लुक की बात करें तो इसके अंदर जो है हम लैमिनेट जब भी अपने किचन में लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर एक लहर टाइप की, वेव टाइप की नज़र आती है लैमिनेट के अंदर, हाई ग्लॉस के अंदर वो एक्रेलिक में नज़र नहीं आती, क्योंकि एक्रेलिक का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा हार्डन होता है और उसके कारण से वो जो है उसकी सरफेस काफ़ी स्मूथ रहती है, तो उसका लुक जो है वो मिरर लाइक रहता है और रिफ्लेक्टिव बहुत ज़्यादा रहता है, तो अच्छी फिनिशिंग आती है। अब दोस्तों अपन इसके कुछ और फीचर्स जो हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं। दोस्तों क्योंकि एक्रेलिक जो है ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, इसके अंदर थोड़ा सा हमें केयर ज़्यादा रखनी पड़ती है, इसके अंदर स्टेन्स और स्क्रैचेस के चांस जो रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लैमिनेट थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो ये थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉबैक है एक्रेलिक का। बाकी अगर अपन बात करें कि प्राइस रेंज की, तो दोस्तों एक्रेलिक शटर जो है वो एक्रेलिक जो लैमिनेट शीट्स होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू लैमिनेट लगभग डबल रेट्स की रहती है, लगभग उसका जो अंतर रहता है वो डबल का रहता है, लगभग मतलब 2500-3000 रुपये की शीट आपको जो है मार्केट के अंदर एक्रेलिक की मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की एक्रेलिक की मिलेगी। अगर इसके अलावा अगर अपन बात करें कलर्स की अवेलेबिलिटी की, तो दोस्तों एक्रेलिक के अंदर आज के टाइम पे इंडिया के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके अंदर भी कलर्स जो हैं वो लिमिटेड अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू लैमिनेट। लैमिनेट के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कलर्स की अवेलेबिलिटी है, तो ये थोड़ा सा जो है हमें कलर्स को सेलेक्ट करते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा कि हम बाकी का जो प्लानिंग है, अगर एक्रेलिक शटर प्लान कर रहे हैं तो स्प्लैश बैक हो गया, फ्लोरिंग हो गया और बाकी की चीज़ें अपन अपने एक्रेलिक जो अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें। दोस्तों अगर पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो अगर लैमिनेट में जैसे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कौन कौन से ब्रांड्स वगैरह हैं। तो अब यहाँ पे हम एक्रेलिक की बात कर लेते हैं, तो एक्रेलिक के अंदर जो है दोस्तों ओक्यूप्लक्स एक बहुत बढ़िया ब्रांड है जो प्रवीड करके एक कंपनी है उसका है, उसके बाद में दोस्तों एक रिहाऊ बहुत बढ़िया ब्रांड है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको इन दोनों की जो एक्रेलिक शीट्स हैं वो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, ये OEM को मतलब मैन्युफैक्चरर ऑफ जो बोर्ड रहते हैं शटर रहते हैं उनको डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। आप शटर्स जो है वो रेडीमेड परचेज कर सकते हो डिफरेंट शटर सप्लायर्स हैं मतलब फैक्ट्रीज से। और दोस्तों अगर आपको मान लो एक्रेलिक शीट ही परचेज करनी है तो उसके लिए एक मारिया डेकोर करके ब्रांड है, उसके अलावा LG का ब्रांड आता है, इसके अलावा लक्से करके एक ब्रांड आता है, फिर यूरोपीक का एक्रेलाइम आता है। ये चार ब्रांड ऐसे हैं जो आपको एक्रेलिक शीट डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर फेडिंग की बात करें तो एक्रेलिक के अंदर जो है ग्लॉसीनेस ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रहती है, तो वो एक बेनिफिट है एक्रेलिक का कि उसके अंदर ग्लॉसीनेस और जो उसकी फिनिशिंग है वो काफ़ी टाइम तक ऐसी की ऐसी रहेगी, ड्यूरेबल रहेगी। अब अगर अपन को एक्रेलिक लगाना है और अपनी इच्छा है एक्रेलिक लगाने की, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको जो है ना वो मेरे हिसाब से ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि आपको सबसे पहले तो रेगुलरली इसकी एक्रेलिक की क्लीनिंग करनी चाहिए विद द सॉफ्ट कॉटन का जो कपड़ा रहता है उससे आप क्लीन कर सकते हो उसको।
इसके अलावा कुछ डिटर्जेंट पाउडर मिला के आप क्लीन कर सकते हो, ज्यादा इसको रगड़ना नहीं है अपने। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या करना है कि अगर मान लो कोई ऑयल के कुकिंग करते टाइम पे कोई पार्टिकल्स वगैरह लग जाते हैं तो उसको हमें जो है बिना ज्यादा घिसे अच्छे से हमें सॉफ्ट कपड़े से ही क्लीन करना है। और इसके अलावा है ना, अगर गीले कपड़े वगैरह, जैसे कई बार अपने किचन में काम लेते टाइम हमें गीले पोछा होता है या फिर कुछ होता है, हम उसको जनरली शटर के ऊपर हैंग कर देते हैं, तो वो हमें अगर एक्रेलिक अगर काम में ले रहे तो बिल्कुल नहीं करना, उससे क्या स्टेन्स मार्क्स जो है वो ज़्यादा आएंगे आपके उसके ऊपर। उसके अलावा जो है दोस्तों, कभी भी जो है ना आप कैबिनेट का जो सरफेस रहता है एक्रेलिक का, उसको सूखे कपड़े से वाइप ऑफ नहीं करें, इसको हमेशा हल्का सा गीला कपड़े से ही साफ करें। सूखे कपड़े से भी इसके अंदर जो है ना लंबे टाइम के बाद में स्क्रैचेस के चांस बन जाता है। तो दोस्तों ये जो है हमारा कुछ सेफ्टी पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए एक्रेलिक शटर अगर अपन काम में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, एक्रेलिक भी अच्छा है, लेमिनेट भी अच्छा है। मेनली ये है कि अगर आप थोड़ा सा बजट के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप लेमिनेट को लीजिए, और अगर आप थोड़ा सा बजट को लेकर के ओके हैं तो आप एक्रेलिक पे जा सकते हैं। और अगर किचन की बात करें तो एक आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, जैसे आप अपर कैबिनेट जो है वो इसका एक्रेलिक का ले लें और बॉटम के जो कैबिनेट है वो ऊपर लेमिनेट का ले लें। उसका रीज़न ये दोस्तों कि बॉटम वाले पार्ट में हमारे हाथ ज़्यादा लगते हैं, कई बार स्टेन्स के चांस ज़्यादा होते हैं, कोई चीज़ टकराने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो एक्रेलिक जो है आपका ऊपर लगा लें, उससे कल लुक भी बेटर बन जाएगा और आपका जो है किचन वो एलिगेंट भी लगेगा, सुंदर भी दिखेगा। और क्योंकि क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव ज़्यादा होती है एक्रेलिक, तो इस कारण से क्या होता है ऊपर लगाने से किचन हमारा जो है अगर छोटी साइज है तो बड़ा नज़र आता है, तो ये उसका बहुत बढ़िया बेनिफिट है एक्रेलिक शीट्स का। तो मेरे को उम्मीद है आज के वीडियो में आपको एक्रेलिक और लैमिनेट का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमें एक्रेलिक शीट्स लगा सकते हैं, कौन से लगा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्रेलिक शटर्स के बारे में बता दूं, एक्रेलिक जो शीट हैं उसको जो शटर्स आते हैं वो प्लाई के ऊपर भी, जैसे ये बना हुआ है प्लाई के ऊपर भी कम्प्लीट हो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये जो HDHMR आता है आजकल काफ़ी प्रचलन में, इसका वीडियो भी मैंने अभी बनाया था रिसेंटली, उसका लिंक आपको आई बटन में दिख जाएगा, अगर आप चाहते हो देखना तो देखें, तो उसके ऊपर भी जो है एक्रेलिक को अपन पेस्ट कर सकते हैं। तो ये अपने को बेस मटेरियल रहेगा कि अपने को कौन सा लेना है ये डिपेंड करेगा कि आपका बजट क्या है और बाकी फैक्टर्स क्या काम कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें कि एक्रेलिक के अंदर जो थिकनेस आती है डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर वो 0.8mm आती है, 1mm आती है और 2mm आती है। 2mm जो है दोस्तों वो थोड़ा सा प्रीमियम मिरर लाइक फिनिश होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 2mm एक्रेलिक, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ये बिल्कुल ग्लास एक्रेलिक है, और इसके अंदर जो है दोस्तों ये एज बैंड जो है ना वो आप नज़र आ रही होगी तो डिफरेंट कलर की लगी हुई है शटर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों इससे क्या हो रहा है कि शटर के कंपैरिजन में जब डिफरेंट कलर की एजमेंट लगा रहे हैं तो वो मिरर लाइक फिनिश दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है हमने ग्लास यहाँ पे फिट किया हुआ। तो दोस्तों ये जो है एजबेंडिंग का हमारा मेथड होता है। ऐसे कैसे दोस्तों, ये भी एक्रेलिक है लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि एजबेंड जो है वो सिमिलर टू हमारा फ्रंट है, तो उसके अंदर वो मिरर लाइक फिनिश हमें नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक तरीका होता है एक्रेलिक शटर को बनाने का, और ये भी एक तरीका होता है। अब दोस्तों इसके अंदर अगर अपन बात करें ब्रांड्स की, तो ओक्यूप्लक्स और मैंने जैसा रियाओ बताया वो जो है आपके रेडीमेड शटर्स के ऊपर हैं, बाकी के ब्रांड मैंने आपको बता दिए पहले कि जो आप कुछ एक्रेलिक शीट अलग से ले सकते हो। अगर आप एक्रेलिक शीट अलग से ले रहे हो तो आपको उसका एडहेसिव का ध्यान रखना चाहिए। ये रियाओ का जो है पॉली मास्टर करके एडहेसिव आता है, ये जो है आप यूज़ ले सकते हो अगर आपको वुडन के ऊपर एक्रेलिक को पेस्ट करना है, क्योंकि या फिर HDF के ऊपर करना है, क्योंकि ये जो है वो स्पेसिफिकली बना हुआ है एक्रेलिक शीट्स को पेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आज आपको एक्रेलिक शीट से रिलेटेड और अपनी एक्रेलिक शटर से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लैमिनेट से क्या कंपैरिजन है पता लग गया होगा। मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को देखते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।